धान की सरकारी खरीद को लेकर 3 दिन से कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर किसान बैठे हैं धरने पर। आपको धान भी दिखाना चाहूँगा कि किसानों ने धान जो है कलेक्ट्रेट रोड पर लाकर यहाँ पर रख दिया गया है और किसान की सरकारी खरीद 3 दिन हो गए हैं। हालांकि एक अशोक गहलोत के द्वारा पत्र जारी करने की बातें भी सामने आ रही, केंद्र सरकार को पत्र लिखा है। खासकर किसानों के अंदर गुस्सा ये है कि यहाँ पर नरेश गेरा जो सी है उन्होंने लाठी चार्ज किया, बिना मजिस्ट्रेट की आज्ञा किया, मजिस्ट्रेट मौके पर नहीं था। इस बात को लेकर भी मलाल है। जिनके चोटें लगी हैं उनसे आज बातचीत करने का सिलसिला शुरू करेंगे और पूछेंगे उनसे कि किस प्रकार जो है नरेश गेरा के द्वारा जो चोटिल हुए हैं लाठी चार्ज करने के बाद क्या है उनके हालात अब। हाँ जी भाई साहब, की नाम है? मेरा नाम कामरेड आमीन खान है जी। क्या कहेंगे जो आप जहाँ किसानों पर जहाँ लाठी चार्ज हुआ? ये तो बहुत गलत बात है जी। हम तो धान की सरकारी खरीद की मांग को लेकर यहाँ आए थे और जब हमने जोर शोर से प्रदर्शन किया सरकारी खरीद को लेकर, तो इन पुलिस प्रशासन ने हम पर ये अचानक से हमला कर दिया, लाठी चार्ज कर दिया। इन्होंने ये जो नहीं करना चाहिए था, इनको किसने हक दिया ये ऑर्डर दिया भी लाठी चार्ज कर दो? या जनता को जैसे तैसे भी चलो इनको शांत करने का होता है आदेश, लेकिन उन्होंने अपनी मनमानी की, सीआई गेरा ने अपनी मनमानी की लाठी चार्ज अचानक से कर दिया। हमारे कई बंदे चोटिल हुए, 18 से 20 बंदे चोटिल हुए इसमें, जो कि साथ में मेरे भी हाथ पर चोट लगी और हमारे ये कई साथी बैठे हैं ये भी चोटिल हुए हैं, घायल हुए साथी। और ये जो सरकारी खरीद को मांग रहे हैं, इनसे ये पूछने वाला हो कि हम ऐसा क्या इनसे भी क्या मांगने आए थे? वो यही तो कहने आए थे भी सरकारी, ये जो धान की सरकारी खरीद है इस मांग को लेकर हम आए। इन्होंने तो लाठी चार्ज हम पर ऐसा कर दिया जैसे कि हम कोई लाठी या कोई बंदूक या कोई इन पर कोई आतंकी हमला करने आए थे और अचानक हमारे साथी पर उन्होंने अचानक हमला कर दिया और सारे साथी चोटिल हुए, जो उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुख्यमंत्री के द्वारा केंद्र सरकार को लाठी चार्ज होने के बाद पत्र लिखा है, जबकि किसान जो है 2 महीने से कूक रहे हैं, ज्ञापन दे रहे हैं, कलेक्टर को चिता रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस सरकार के लिए क्या कहेंगे भी, उन्होंने देरी से लेटर क्यों लिखा, पहले क्यों नहीं जागी कांग्रेस सरकार? देखो जी, ये जो इन्होंने जो पत्र लिखा इन पर तो अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। या कल शाम को 4 बजे, पहले 2 बजे तक बोला, फिर शाम को 4 बजे तक का टाइम दे दिया, जो कि अभी तक तो कोई ऐसी कोई कार्रवाई हुई नहीं इस पर भी। ये जो हमारे धान की जो सरकारी खरीद है, ना इस पर कोई मुद्दे की बात आई, ना कोई ऐसा किसान। आज तीसरा दिन हो गया इस हमारे धरने पर लोग बैठे हुए हैं, तो इन्होंने अभी तक तो ऐसा कोई मतलब एक्शन नहीं लिया इस बात पर भी सरकारी खरीद करेंगे या नहीं करेंगे, कोई जवाब नहीं आया उधर से। बस ठीक है, बैठे हैं 4 बजे तक का कल बोला, लारे लगा रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं बैठे बैठे, जो इनके लिए बहुत ये गलत बात है सरकार के लिए। बाकी रही बात है जो किसान अपने भाई हैं, ये जो धान की फसल है इस पर तो वैसे भी कुदरती मार हो रही है। नहीं, आपके हाथ पर चोट लगी फिर भी आप धरने पर आए, आराम करना चाहिए था। कहीं ना कहीं ये मन के अंदर मलाल नहीं है भी, यहाँ आएंगे तो दर्द पता ही नहीं चलेगा, क्या कहेंगे आप? जी दर्द तो देखो है, पर कहते हैं कि लड़ाई लड़ने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती है। कुछ लोग हमारे यहाँ जो आंदोलन में पहले भी, जो आज 9 महीने हो गए किसान दिल्ली में बैठे हैं, उनमें से भी कई 500-700 आदमी कह रहे हैं कि शहीद हो चुका है, लेकिन सरकार को उसका कोई दर्द नहीं है। तो हमारे तो सिर्फ चोट लगी, इनको क्या ऐसा कोई दर्द आएगा? इनको तो इस बात की परवाह ही नहीं है, चाहे चोटिल हो जाएं, चाहे मर जाएं, कुछ भी कर जाएं, इनको तो कोई परवाह नहीं है। ये तो अंदर बैठे हैं, बस खाना पीना नाश्ता सब चल रहे हैं, इनको तो किसानों का कोई दर्द नहीं है, कोई इनको ना कोई एहसास है भाई किसान किस तरह मर रहा है, किस तरह हालात। अब देखो किसान धान की फसल आती 6 महीने, किसान अपनी फसल एक मतलब बेटे की तरह औलाद की तरह उसको पालता पोसता है, कोई कुदरती बरसात के कारण या कोई कुदरती मार भी पड़ जाती है। बाकी रही बात जब धान मंडी में आता है तो ये हमसे इतनी लूट करते हैं, ना सरकारी खरीद होती है, 1600 रुपये, 1500-1600 रुपये के भाव में ये खरीदते हैं। हालांकि जो सरकारी खरीद है वो 1950 के ऊपर है जो उनको खरीदने चाहिए। यही है बात है, इनका हमारा किसानों का मजदूरों का इनको कोई दुख नहीं दिखाई देता, बस अपनी मौज में लगे हुए हैं सब, ना कोई इनको कुछ दिखाई दे रहा है, ना ये न देखना चाहते हैं, नज़रअंदाज कर देते हैं देख कर भी। और भी इधर किसान बैठे हैं, उनसे भी करेंगे बातचीत, उनके भी जानेंगे विचार कि क्या क्या है इनकी सोच। हाँ जी, क्या कहेंगे?
ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੱਸੋ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਜੀ ਮੇਰਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੈ ਚੱਕ ਜੋਲਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਮੇਰਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਟਰ ਆਫਿਸ ਹੈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਇੱਥੇ ਅੰਦੋਲਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਰੇਸ਼ ਗੇਰਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਨਾ ਹੀ ਉਹ ਗਹਿਰਾ ਕਿ ਵੈਸੇ ਵੀ ਗਹਿਰਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋ ਹੀ ਮੰਗਾਂ ਆ ਸਾਡਾ ਗੇਹੂੰ ਜੋ ਦਾਣ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਵਿਕੇ ਦੂਜੀ ਮੰਗ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਨਰੇਸ਼ ਗੇਰੇ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਜਾਵੇ ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਈ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਆ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਸਤਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਸਤਾਨਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਇਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਆ ਨਰੇਸ਼ ਗੇਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹ ਸਾਡੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਆ ਜਾਂ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸਾਡਾ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਰਹੂਗਾ ਜੀ ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਥੀ ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਨਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਅਮਜਦ ਖਾਨ ਹਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੋ ਜੀ ਹਮ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਯਹਾਂ ਆਏ ਥੇ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਲੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਮਨੇ ਯਹਾਂ ਕੋਈ ਖੂਟ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਮਨੇ ਕੁਛ ਵੀ ਐਸੀ ਗਲਤ ਬਾਤ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਕਰੀ ਕਿ ਜਿਸਸੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੋ ਹਾਨੀ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਹਮਨੇ ਆਪਣੇ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਆਪਣੇ ਸਮਰਥਨ ਕੇ ਲੀਏ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ ਜੈਸੇ ਕਿ ਧਾਨ ਕੀ ਖਰੀਦ ਹੈ ਉਸਕੇ ਲੀਏ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਜਲਦੀ ਸੇ ਜਲਦੀ ਹਮ ਇੱਕ ਤਾਰੀਖ ਕੋ ਵੀ ਆਏ ਥੇ ਕਿ ਧਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਉਸਸੇ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਆ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਕਿ ਧਾਨ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ ਬਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹਮ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਕੇ ਸਾਥ ਹੈ ਉੱਪਰ ਜੋ ਮੋਦੀ ਕੇਂਦਰ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਉਹ ਕਹਿਤਾ ਹੈ ਕਿ MSP ਥੀ MSP ਹੈ ਔਰ MSP ਰਹੇਗੀ ਹਮੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਤਾ ਯਾਂ ਹਮਾਰੇ ਪੜੋਸੀ ਰਾਜ ਹੈ ਇਧਰ ਹਰਿਆਣਾ ਅਟੈਚ ਹੈ ਇਧਰ ਪੰਜਾਬ ਅਟੈਚ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ MSP ਪੇ ਧਾਨ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਮੈਂ ਦੋ ਹੀ ਐਸੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਹੈ ਜਹਾਂ ਗੇਹੂੰ ਕੀ ਧਾਨ ਹੋਤਾ ਹੈ ਗੰਗਾਨਗਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਇਨ ਦੋਨੋਂ ਮੈਂ MSP ਪੇ ਧਾਨ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਮਾਰੀ ਇਹੀ ਸਰਕਾਰ ਸੇ ਲਜਾ ਇਹ ਯਹੀ ਕਹਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਹਮਾਰੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਗੰਗਾਨਗਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਮੈਂ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਜਲਦ ਸੇ ਜਲਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਔਰ ਹਮੇ ਜੋ ਹਮਾਰਾ ਹੱਕ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਏ ਇਸੀ ਸੇ ਬਾਤ ਆਪਣੀ ਸਮਾਪਤ ਕਰੂੰਗਾ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਜੈ ਜਵਾਨ ਰਘਵੀਰ ਵਰਮਾ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਕੱਲ੍ਹ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਨਸੇ ਜਾਣੇਂਗੇ ਕਿਆ ਰਹੇਗਾ ਅੱਗੇ ਦਾ ਕਾਰਜਕ੍ਰਮ ਉਸਕੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਵੀ ਪੁੱਛੇਂਗੇ ਇਨਸੇ ਹਾਂਜੀ ਰਘਵੀਰ ਜੀ ਕਿਆ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਆ ਘੋਸ਼ਣਾ ਕਰੀ ਆਪਣੇ ਲਾਊਡ ਸਪੀਕਰ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਲਗਾ ਕਰ ਕੱਲ੍ਹ ਕੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਤੋਂ ਹਮਾਰੀ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ 7 ਤਾਰੀਖ ਕੋ 11 ਵਜੇ ਸੇ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੈ ਔਰ ਇਸਕੋ ਲੈ ਕਰ ਹਮਾਰੇ ਕਿਸਾਨ ਸਾਥੀ ਸੰਪਰਕ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਹਮ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਰੇ ਲਗੇ ਹੋਏ ਔਰ ਕੱਲ੍ਹ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਹੋਗਾ ਔਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਗਾਂਵ ਕੀ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸੜਕ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਜਹਾਂ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਯੁਵਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਮਾਮ ਲੋਕ ਇਸ ਮੰਗੋਂ ਕੇ ਸਮਰਥਨ ਮੇਂ ਕੱਲ੍ਹ ਸੜਕੋਂ ਪਰ ਉਤਰੇਂਗੇ ਔਰ ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਸਾਨ ਕੋ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕੋ ਫੁੱਟਬੋਲ ਬਣਾ ਰੱਖੀ ਹੈ ਉਸਕਾ ਜਵਾਬ ਹਮ ਦੇਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇਗੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਕੀ ਜਨਤਾ ਦੇਗੀ ਔਰ ਇਹ ਸਾਬਿਤ ਹੋਗਾ ਕਿ ਜੋ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰੋਂ ਕਾ ਢਿਲਮੁਲ ਰੋਈਆ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਹਿਲੋਤ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਇਸਕੇ ਖਿਲਾਫ ਜਨਤਾ ਮੇਂ ਅੰਕਰੋਸ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਯਹਾਂ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਬਰ ਲਾਠੀਚਾਰਜ ਕੀਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸੋਚਨੀਏ ਬਿੰਦੂ ਹੈ ਕਿ ਯਹਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਯਹਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਭੀ ਉਸਕੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਬਾਤ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬੀਚ ਮੈਂ ਆਪਕੋ ਟੋਕ ਰਹਾ ਹੂੰ ਸਭਸੇ ਆਗੇ ਆਪ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕਰ ਭਾਗੇ ਥੇ ਕਿਆ ਆਪਨੇ ਯਹਾਂ ਮਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੋ ਖੜੇ ਦੇਖਾ ਕਿਆ ਉਪਸਥਿਤ ਥਾ ਇਸਕਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਚਾਹੂੰਗਾ ਆਪਸੇ ਮੈਨੇ ਕਿਆ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੈ ਕਮ ਸੇ ਕਮ 50 ਵੀਡੀਓ ਬਣੇ ਹੈ ਇਸ ਗੇਟ ਕੇ ਉੱਪਰ ਲੋਕ ਅੰਦਰ ਜਾ ਰਹੇ ਥੇ ਕਲੈਕਟਰ ਸੇ ਮਿਲਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਆਪਣੀ ਮੰਗ ਕੋ ਲੈ ਕਰ ਉਨ ਲੋਕੋਂ ਕੋ ਰੋਕ ਕਰ ਔਰ ਰੋਕ ਕੇ ਨਹੀਂ ਯਹਾਂ ਆਪਣੇ ਜਾਂ ਬੈਠੇ ਹੈ ਗੇਟ ਸੇ ਬਾਹਰ ਵਹਾਂ ਆਗੇ ਤੱਕ ਕਰੀਬ ਕਰੀਬ 200-250 ਫੁੱਟ ਆਗੇ ਤੱਕ 300 ਫੁੱਟ ਤਮਾਮ ਜੋ ਦੁਕਾਨੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹੈ ਲੋਕ ਉਨਕੋ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਰਾ ਹੈ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕਾਂ ਨਜ਼ਰ ਤੱਕ ਕਿਸੀ ਵੀਡੀਓ ਹਰ ਐਂਗਲ ਸੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਲਓ ਪਰ ਯਹੀ ਤੋ ਹਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਯਹਾਂ ਕਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਉਂ ਬਗੈਰ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਕੇ ਬਗੈਰ ਪੁਲਿਸ ਤਿਆਰੀ ਕੇ ਕੈਸੇ ਆ ਗਈ ਆ ਇਹ ਤੋ ਕਿਸਾਨ ਥੇ ਜੋ ਚਲੇ ਗਏ ਵਾਪਿਸ ਆ ਗਏ ਦੋ ਡੰਡੇ ਖਾ ਲੀਏ ਅਗਰ ਕੋਈ ਔਰ ਹੋਤਾ ਇਨਕਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋ ਜਾਤਾ ਤਬ ਇਹ ਕਿਆ ਕਰਤੇ ਫਿਰ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਕੀ ਪੁਲਿਸ ਵਾਪਿਸ ਦੌੜਤੀ ਤੋ ਯੇ ਵੀ ਦੁਰਭਾਗਿਆਪੂਰਨ ਥਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਕੋ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਡਿੰਗ ਬਨਤੀ ਆਪਕੇ ਚੈਨਲੋਂ ਮੇਂ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਭਾਗੀ
हम ये भी नहीं चाहते, किसान है अपने शांतिपूर्ण आंदोलन चला रहा है, वो आया था उसको डंडे मार दिए, ये खुश हो रहे हैं। अब देखो ये जंजीरें देखो कितनी बड़ी बड़ी लगाई है, क्या है ये सारे लोग हम अंदर बाहर होते ही रहते हैं सारा दिन, लेकिन ये इनकी मानसिकता है। और प्रशासन को इस पर कदम उठाना चाहिए, जांच करनी चाहिए। इसमें दोषी सीआई अकेला नहीं है, यहाँ के एसपी है, यहाँ का कलेक्टर है, यहाँ का एसडीएम भी दोषी है, क्योंकि जब किसान की घोषणा है लगभग 10 बार ज्ञापन दे चुके थे पहले, तो इन्होंने किसानों के आने की खबर होने के बावजूद भी कोई अधिकारी ने सीरियस नहीं लिया, कोई गेट पर ज्ञापन लेने के लिए नहीं आया। जब आपका एसडीएम, आपका तहसीलदार, नायब तहसीलदार कोई नहीं आया गेट पर, तो वो तो जाएंगे, आप उनको भी नहीं जाने देंगे, लाठियां मारेंगे। मजिस्ट्रेट भी नहीं है, किसी भी कानून की पालना इन्होंने नहीं की है। सैनी साहब, मैं तो वकील हूँ, मैं समझता हूँ, लेकिन ये अधिकारी नहीं समझते हैं। अभी हमारे संयुक्त किसान मोर्चे ने इनकी शिकायत मानवाधिकार में भी की है, इसकी शिकायत जो गृह मंत्रालय है उसमें भी की है, और जो इस बात को की है कि आपने क्या सोच कर क्यों मारा है इनको, लोगों को आपका कोई अधिकारी आता नहीं है, एक सीआई के भरोसे आपने गेट के ऊपर खड़ा कर दिया। सीआई से हमारा क्या लेना है, कोई कानून व्यवस्था का सवाल थोड़ी था, ये तो धान की सरकारी खरीद का सवाल था, हम सीआई से क्या बात करते। वो कह रहे अंदर जाने नहीं देंगे, अंदर से कोई अधिकारी आएगा नहीं, तो इसका मतलब है हनुमानगढ़ का किसान के लिए कोई चिंता नहीं है, ना राजस्थान सरकार को है ना केंद्र सरकार को है। किसानों पर मुकदमा भी दर्ज हुआ है, क्या कहें? हाँ, ये देखो ये भी एक मजे की बात है, ये कह रहे हैं कि सरकारी संपत्ति को तोड़ा है, किसी भी वीडियो के अंदर ये नहीं है कि सरकारी संपत्ति टूट रही है। हाँ ये जरूर है कि ये गेट खुलता है, गेट खुलता है, लोग अंदर जाते हैं। अब इसमें कह रहे हैं कुंडा टूट गया है, अब कौन सा कुंडा है, कल से हम देख रहे हैं वो मिला नहीं हमें, टूटा हुआ कहीं से बेल्डिंग उसकी हटी हुई, लेकिन ये कह रहे हैं। दूसरा ये कह रहे हैं कि यहाँ पत्थरबाजी की है, अभी अपने यहाँ बैठे हैं, इस नज़दीक के एरिए में पत्थर नहीं है, क्यों नहीं है, यहाँ सारा स्ट्रक्चर बन गया है, पीछे पानी भरा हुआ है, पत्थर है ही नहीं, इतना समय कहाँ था, वो वहाँ से जाकर लेकर आता फिर इनके मारता, ये तो इनकी तैयारी नहीं थी। किसान तो अपने हिसाब से आए थे, वो अपना कुछ साथी टेंट लगा रहे थे, कोई ट्रैक्टरों पर बैठा था, कोई अंदर जाने ज्ञापन की बात कर रहा था। अब अधिकारी आप भेजो नहीं, कोई बात आपसे करे नहीं, ये तो आपकी साजिश थी इनकी। प्रशासन परेशान हो गया लगता है किसान की मांग से, वो मोदी के समर्थक हैं, उनको ये लगा कि यार ये रोज़ रोज़ क्यों आते हैं अपनी मांगों को लेकर, इसलिए उन्होंने ये सारा काम धाम किया है। अब बैठे हैं ना, हम बैठे हैं, वो भी बैठे हैं, हमने यहाँ खड़े होकर कहते भाई एसडीएम को बुलाओ, हमें ज्ञापन देना है, वो नहीं बुलाए, और ये कहें कि आपको भी नहीं जाने देंगे, तो हम क्या करें, आप बताओ अभी हमारी मांग कहाँ रखें, एक सिपाही को रखें, एक सीआई को रखें, कोई कानून व्यवस्था थोड़ी, एफआईआर का मामला थोड़ी है कि उसके अंदर चलान नहीं हो रहा है, साहब सीआई से मिलना है, एसपी से मिलना है। पीछे ट्रैक्टर की 3 ट्रालियां आराम से खड़ी थी, उनके भी जाके डंडे मारे, उसमें क्या, यहाँ से 10 फुट दूर खड़ी थी, आप उस वीडियो में देखना, और उसके ऊपर बैठे हैं लोग आराम से देख रहे हैं, भैया जो अंदर जा रहे हैं आ रहे हैं, उनको आगे पीटना शुरू कर दिया, और पीटते रहे जब तक मतलब उनकी मन की तसल्ली नहीं हो जी, और फिर कोई किसान खड़ा हुआ, क्यों पीट रहे हो, जब अंदर चले गए, फिर भी किसान शांत रहा, अपने साथियों को उठाकर हॉस्पिटल में ले गया, इनको कुछ नहीं कहा, और आज भी नहीं कह रहे। आप देखो कितनी संख्या में बैठे हैं यहाँ पे, ये 5 लोग बैठे हैं, हमें शरारत नहीं करनी। कल रात को यहाँ किसान साथी अपने गीत, क्रांतिकारी गीत सुन रहे थे, उनको कहा आपका बंद कराओ, ये रेडियो बंद कराओ। हम इनको कहना चाहते हैं कि अभी रीट के एग्ज़ाम थे, सारे गुरु मंदिरों में वो जागरण चलते रहे, रामदेव जी के, गोगा जी के, एसडीएम को, कलेक्टर को, सबको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा कि यार गांव में बच्चे पढ़ रहे हैं, रीट के एग्ज़ाम है, और सरेआम ये चल रहे हैं, किसी ने नहीं रोका। रात को 10 ही नहीं बजे उससे पहले आगे क्या बंद करो, ये मतलब किसानों के प्रति कितनी नफरत है ये दिखा रहे हैं। तो ये थे हमारे साथ किसान जो कलेक्ट्रेट हनुमानगढ़ पर धरना लगाए बैठे हैं, 3 दिन हो गए हैं, लेकिन
केंद्र सरकार से, हालांकि राज्य सरकार ने पत्र लिखा है, उसकी सूचनाएं खबरें भी प्रकाशित हुई हैं, किसानों को भी बताया गया है कि राज्य सरकार के द्वारा लाठियां, जैसे जैसे एडवोकेट साहब कह रहे, लाठियां पढ़ने के बाद पत्र लिखा गया है। ये भी मन के अंदर गुस्सा है किसानों के कि आखिरकार फिर दो महीने से जब मांग कर रहे थे, ज्ञापन दे रहे थे, लाठियां चलाने के बाद, लाठियां बांधने के बाद आखिरकार कांग्रेस सरकार ने रात को पत्र लिखा, रात के अंधेरे में पत्र लिखा, ऐसी बातें भी सामने किसानों जो है आ रही है कह रहे हैं। और केंद्र सरकार के द्वारा तीसरा दिन आज हो चुका है, कहीं ना कहीं केंद्र सरकार के द्वारा भी पता नहीं, अब किसान यही कह रहे हैं कि अब केंद्र सरकार क्या सोच रही है, कोई नया जो है किसान आंदोलन और नए तरीके से पेश करें जब हम जो है अनुमति देंगे, ऐसी बातें भी सामने। देखने वाली बात यही होगी कि आखिरकार केंद्र सरकार के स्तर से कब जो है धान की सरकारी खरीद का आदेश जारी होता है। दूसरी जो मांग किसानों ने किया, नरेश गेरा को हनुमानगढ़ से हटाने की, वो राज्य सरकार का मामला है। अब दोनों सरकारें किसानों की दोनों मांगों पर क्या करती हैं, कल चक्का जाम भी हो रहा है, कल जो है पूरा हनुमानगढ़ जिले के अंदर चक्का जाम का आह्वान किसान नेताओं के द्वारा किया गया है, और आगे की रणनीति भी आज, जैसा कि रघुवीर वर्मा ने बताया कि और भी आगे के उग्र आंदोलन करने की रणनीति भी आज हम बनाने वाले हैं। तो देखना यही होगा कि दोनों सरकारें कब किसानों की मांग को मंजूर करते हुए इनको जो है यहाँ से धरना समाप्त करने की घोषणा करवाती है। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।